press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्मी दोस्त में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी का सिलेबस, जो 2020-21 का सिलेबस है सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेनमैन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टीए आर्मी का सिलेबस के बारे में, जो 2020-21 का सिलेबस का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आज हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जो सोल्जर जीडी का सिलेबस है, ये ऑल इंडिया का सिलेबस है। आप भारत के कोई भी राज्य से होने जरूरी हैं, तो ये सिलेबस सभी के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देख लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीए आर्मी का सिलेबस। दोस्तों, इस वीडियो में बात सिर्फ आपको सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेनमैन के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे, तो आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिस जो सिलेबस का है 2020-21 का। तो आप सभी को बता दूं, जो आपका सोल्जर जीडी का जो सिलेबस है, आप सभी को सबसे पहले जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के और मैथ के। तो दोस्तों, तीन प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 15 मिल जाएंगे और 30 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और बात कर लेते हैं जनरल साइंस की, तो 20 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के मिल जाएंगे, जिसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। और 15 क्वेश्चन आपको मैथ के, जिसके 30 नंबर होंगे। आप सभी को बता दूँ, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 50, और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको उसमें पास होने के लिए 100 में से 32 नंबर लाने हैं। तो आपको एनसीसी का बेनिफिट अभी तक तो सोल्जर जीडी में, टीए आर्मी में तो अभी तक तो कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर मिलता है तो हम आपको जल्द बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बता दूं, ये है आपका 2020-21 का सिलेबस, तो जीडी सोल्जर ट्रेनमेंट के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।